जय हिंद बच्चे, आज हम आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 12वें वीडियो में आए हैं। अब पार्ट 12वें में आपको हम घटाकर पुराने वाले गुणनखंड के बारे में बताएंगे। तो मेरा पहला सवाल है, 2x² प्लस 2x माइनस 4, यहां पर हम 2 × 4 करेंगे तो 8 होता है, और 8 को घटा करके हम पुराएंगे 2, तो इसका खंड हो जाएगा 4 × 8, और 4 और 2 घटाने पर पुरेगा 2। यहां पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4, यहां पर 2x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2, यहां पर माइनस 2 कॉमन आएगा, हो जाएगा x प्लस 2। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 2। फिर दूसरा सवाल है मेरा, 2x² प्लस x माइनस 6, 2 × 6 = 12, 12 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ कर घटा कर पूरे 1, तो चरतिया 12 और 4 और 3 को घटाएंगे तो घटाने पर आता है 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, अब 2x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2, फिर माइनस 3 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 2। अब हम लिखेंगे x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3। फिर तीसरा सवाल है मेरा, 2x² प्लस 6x माइनस 8। अब इस सवाल को हल करने के लिए 2 और 8 को गुना करेंगे, 2 × 8 हो जाता है 16, 16 का ऐसा खंड करना है कि घटाकर पूरे 6, तो इसका खंड होगा 8 × 2 16, 8 और 2 को घटाने पाता है 6। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 8x माइनस 2x माइनस 8, यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 4, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 4। अब हम लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 2, इसका खंड और आगे करेंगे, यहाँ पर मेरा कॉमन 2 आ रहा है, इसलिए इस गुणनखंड को और आगे बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा x प्लस 4, और इस दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से इस दोनों में भाग दे देंगे, हो जाएगा x माइनस 1। अब हम लिखेंगे x प्लस 4, 2 को सबसे पहले आगे लिख देना है, उसके बाद लिखेंगे x माइनस 1। मेरा चौथा सवाल है, 2x² प्लस x माइनस 10, अब 2 × 10 20 होता है, 20 का ऐसा खंड करना है कि घटाकर पूरे 1, तो हो जाएगा 5 × 4 20, और 5 और 4 को घटाने पाता है 1। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10, यहाँ पर मेरा कॉमन x आएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 5, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, हो जाएगा 2x प्लस 5। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। मेरा पांचवा सवाल है, 2x² प्लस 2x माइनस 12, अब 2 × 12 24 होता है, 24 का ऐसा खंड करना है घटाकर पूरे 2, तो 6 × 4 हो जाता है 24। अभी थोड़ा ट्रैक्टर गुजर रही है, इसको गुजरने दीजिए, उसके बाद बताते हैं आगे। अब देखिए 2 × 12 हो जाता है 24, 24 का ऐसा खंड करना है कि घटाकर पूरे 2, तो 6 × 4 24, 6 और 4 को घटाने पर होता है 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 12, यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x प्लस 3,
यहाँ पर चार कॉमन आएगा, लिखेंगे x प्लस तीन। अब हम लिखेंगे x प्लस तीन इंटू दो एक्स माइनस चार, यहाँ पर मेरा कॉमन दो भी आएगा तो लिखेंगे x प्लस तीन इंटू दो कॉमन ले लेंगे हो जाएगा x माइनस दो। अब लिखेंगे दो इंटू एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो। अब मेरा छठा सवाल है, दो एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस पंद्रह। अब दो गुना पंद्रह हो जाता है तीस, तीस का ऐसा खंड करना है कि घटा कर पूरे सात, तो दस गुना तीन हो जाता है तीस, और दस और तीन को घटाने पर होता है सात। यहाँ पर हम लिखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस दस एक्स माइनस तीन एक्स माइनस पंद्रह। यहाँ पर दो एक्स कॉमन आएगा तो हम लिखेंगे एक्स प्लस पाँच, यहाँ माइनस तीन कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स प्लस पाँच। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस पाँच इंटू दो एक्स माइनस तीन। अब मेरा सातवां सवाल है, दो एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस सोलह। अब दो गुना सोलह हो जाता है बत्तीस, बत्तीस का ऐसा खंड करना है कि घटाकर पूरे चार, तो इसका खंड हो जाएगा आठ गुना चार बत्तीस, आठ और चार को घटाने पाता है चार। तो अब हम लिखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस चार एक्स माइनस सोलह। यहाँ पर दो एक्स कॉमन आएगा, हम लिखेंगे एक्स प्लस चार, यहाँ पर चार कॉमन ले लेंगे हो जाएगा एक्स प्लस चार। अब हम आगे मेरा कॉमन आता है, मेरा अगला कॉमन आता है इस दोनों में एक्स प्लस चार, यहाँ पर हम एक्स प्लस चार कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा दो एक्स माइनस चार। यहाँ से हम दो कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे x प्लस चार इंटू दो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस दो। अब हम लिखेंगे दो इंटू एक्स माइनस दो इंटू एक्स प्लस चार। अब मेरा आठवां सवाल है, दो एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस बीस। अब दो और बीस को गुना करेंगे तो चालीस होता है, चालीस का ऐसा खंड करना है कि घट कर पूरे तीन। तो देखिए बच्चों, अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं अधिक लेट करके भी बनाए, फिर भी बहुत ज़्यादा गाड़ी गुजर रही है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। अब देखिए फिर से देखते हैं इसको, दो गुना बीस चालीस हो जाता है, चालीस कैसा खंड करेंगे कि घटा कर पूरे तीन, तो इसका खंड हो जाएगा आठ गुना पाँच, आठ पंचे चालीस, और आठ और पाँच घटाने पर होता है तीन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स माइनस पाँच एक्स माइनस बीस। यहाँ पर दो एक्स कॉमन आएगा हो जाएगा एक्स प्लस चार, यहाँ माइनस पाँच कॉमन लेंगे हो जाएगा एक्स प्लस चार। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस चार इंटू दो एक्स माइनस पाँच। मेरा नौवां सवाल है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस छः। अब तीन गुना छः अठारह होता है, अठारह का ऐसा खंड करना है कि घट कर पूरे सात, नौ गुना दो अठारह, नौ में दो घटाएंगे तो हो जाता है सात। अब हम लिखेंगे तीन एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स माइनस दो एक्स माइनस छः। यहाँ पर मेरा कॉमन तीन एक्स आएगा तो तीन एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस तीन, यहाँ माइनस दो कॉमन लेंगे हो जाएगा एक्स प्लस तीन। अब हम लिखेंगे एक्स प्लस तीन इंटू तीन एक्स माइनस दो। मेरा दसवां सवाल है, तीन एक्स स्क्वायर प्लस तेरह एक्स माइनस दस। अब तीन गुना दस करेंगे तो तीस होता है, तीस का ऐसा खंड करना है कि घटा कर आए तेरह, तो पंद्रह गुना दो तीस होता है, पंद्रह और दो को घटाएंगे तो तेरह आ जाता है, तो मेरा खंड यही आएगा
यहाँ पर लिखेंगे 3x² + 15x - 2x - 10। यहाँ पर हम 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम 3x कॉमन ले रहे हैं, हो जाएगा x + 5। यहाँ -2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा x + 5। अब हम लिखेंगे x + 5 × 3x - 2। अब 11वां मेरा गुणनखंड है, 11वां सवाल है 4x² + 8x - 5। अब 4 × 5 हो जाता है 20। 20 का ऐसा खंड करना है घटा कर आए 8, तो इसका खंड हो जाएगा 10 × 2 = 20। 10 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। अब हम लिखेंगे 4x² + 10x - 2x - 5। यहाँ पर 2x कॉमन आएगा, हम लिखेंगे 2x + 5। यहाँ -1 कॉमन लेंगे, हो जाएगा 2x + 5। अब हम लिखेंगे 2x + 5 × 2x - 1। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, जय हिंद।